कपिल देव भाई बताइए, बेरोजगारी महंगाई तो आपके बस में है नहीं उसको रोक लेने का। चुनाव खत्म हुए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने लगे, गैस के भी दाम बढ़ गए। ये जो बेरोजगारी है, सरकारी नौकरी है, तमाम चीज़ें, उस पर सरकार पिछली बार भी उतना कुछ नहीं कर पाई। ऐसा नहीं है, बहुत कुछ किया है। इस बार क्या करेंगे? पिछला थोड़ा मैं आपको बताऊँ, सबसे बड़ी बात ये हुई है। नहीं, अब तो आगे की सुधी ले, पिछला ही बताना पड़ेगा। भैया थोड़ा बताऊँ संक्षेप में, बोर्ड पे नकल होती थी, भ्रष्टाचार की चरम सीमा थी, बिना पैसे के नौकरी लगती ही नहीं थी, भाई भतीजावाद की नौकरी लगती। सबसे बड़ी बात यह है, युवा के अंदर ये विश्वास हुआ है कि ना बोर्ड पर नकल होगी, ईमानदारी से मार्किंग होगी, एक बात। और नंबर दो, बिना पैसे के, एक तरफ व्यक्ति नौजवान फॉर्म भरता था, एक तरफ माता पिता से कहता था कि जमीन बेचो, मकान गिरवी रखो, मुझको 20 लाख रुपये चाहिए और कोई दलाल ढूंढो। वो लखनऊ में दलाल ढूंढते थे, पैसा आता नहीं था, नौकरी लगती नहीं थी। इस सिस्टम को बदलने का काम माननीय मुख्यमंत्री ने किया है। युवा के मन में ये विश्वास जगा के नहीं, परिश्रम के आधार पर और योग्यता के आधार पर नौकरी मिले। 5.5 लाख नौकरियां लगी हैं, 1 रुपये की चाय भी किसी की कोई किसी का आक्षेप नहीं ला सकता। और इस बार भी हम युवाओं को, मेरा विभाग भी स्किल डेवलपमेंट का था, युवाओं को स्किल के माध्यम से उनको प्रशिक्षण दे करके उनको प्राइवेट सेक्टर में भी, गवर्नमेंट सेक्टर में भी हम लगाने का काम कर रहे हैं। और अब नए सिरे से ऐसे बहुत सारे अवसर हम तलाश करेंगे माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, ताकि युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिले। नरेंद्र कश्यप जी हो गए, दानिश आज़ाद हो गए, जसवंत सैनी जी हो गए, ये लोग किसी सदन के सदस्य नहीं हैं, लेकिन सरकार ने इन पर भरोसा जताया और मंत्री बनाया, है ना कमाल की बात। जसवंत सैनी साहब, एक चीज़ बताइए कि ये जो सरकार की बात चल रही है, बेरोजगारी वाली बात हो गई, महंगाई वाली बात हो गई है, ये बार बार कहा जाता है, जो मैं असीम भाई से भी पूछा कि मंत्री और अधिकारियों के बीच बनती नहीं थी, पिछली बार भी ये शिकायत थी, कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जाती थी, इस बार ये बदलेगा क्या? निश्चित रूप, पहले भी सुनी गई है, ऐसा नहीं है, और इस बार कोशिश करेंगे कि बेहतर तालमेल के साथ काम किया जाए, अधिकारी और राजनीतिक नेतृत्व जो है दोनों में तालमेल ठीक रहेगा, और निश्चित रूप से अच्छे के लिए, प्रदेश की भविष्य के लिए काम करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। संजय निषाद जी, इस बार एक परिवर्तन है विधानसभा में, परिवर्तन ये है कि इस बार अखिलेश यादव सामने बैठे रहेंगे सत्ता पक्ष के आगे, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था, फिर क्या होगा? वो उन्होंने कहा दिल्ली वाली राजनीति नहीं करूंगा, मैं लखनऊ वाली पॉलिटिक्स करूंगा। लखनऊ वाली पॉलिटिक्स के वजह से ही जो उन्होंने परंपरा डाली थी, उसी परंपरा के विरोध में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है, माननीय योगी आदित्यनाथ के उस सुशासन पर। नहीं नहीं, अखिलेश जी कह रहे हैं हम यहीं रहेंगे, डटे रहेंगे, और सत्ता के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। संघर्ष उनके पिताजी ने किया था, जिसका फल वो हैं, अगर वो खुद संघर्ष करके पाते तो शायद आज ही देश में नहीं होता। आप सब लोग ताली बजा रहे हैं, कोरी साहब, मतलब इनकी बात से सहमत हैं आप? सहमत हूँ भाई, जो अपने बाप की गद्दी छुड़ा ली, ऐसे इंसान को क्या कह सकते हैं? आप लोग हंस रहे हैं भाई। आज एक बात और है, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि मायावती जी ने जब अपनी समीक्षा की हार की, तो उन्होंने कहा बीजेपी वालों ने आरएसएस के जरिए पूरे यूपी में फैला दिया कि सरकार जो है ना वो हमारी बननी नहीं है, तो वो राष्ट्रपति उनको बना दिया जाएगा, इसीलिए वोट का शिफ्ट हो गया। आप मानते हैं ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, और उत्तर मायावती जी को आप लोकप्रिय नेता नहीं मानते? लोकप्रिय नेता मायावती जी होंगी, लेकिन अगर उन पे अपनी पार्टी नहीं संभली तो हमारे स्वयंसेवी संगठन पर वो इस तरह का आरोप क्यों लगा रही है? हमने कोई ऐसा काम नहीं किया। हमने कहा ना, पिछले 5 वर्षों के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सवाल खटीक जी से भी पूछ लेता हूँ, वो बेहतर बताएंगे। मायावती जी जो कह रही है, आप क्या कहेंगे? वो आरएसएस वाले घूम घूम के यही बता रहे थे क्या आपके यहाँ? वो अपना, उनका अपनी पार्टी का विवेक है, यदि उनका अपना विवेक है तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। मतलब जो कह रही हैं वो सही कह रही हैं? वो अपना विवेक है उनका। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरी देश में, पूरे विश्व में काम करता है, और हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, और हम विश्वास करते हैं आदरणीय मोदी जी की जितनी कल्याणकारी योजनाएँ हैं, चाहे वो दलितों के लिए हों चाहे पिछड़ों के लिए हों, उसका लाभ ही हमारी सरकार को मिले। ABP News, आपको रखे आगे।